मैनपुरी में रिश्ते और मानवता का तार तार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है। जहां बच्चों के विवाद को लेकर देवर ने अपनी भाभी को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अपने आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। घटना बेवर थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ गाँव छबेलेपुर में बीती रात छत पर सो रही महिला की निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। आरोपी धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। जी, किसको मारने लगे? मम्मी को। क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? किस वजह से मारा था? आए अपने ही आप मारने लगे। अच्छा, कब की बात है ये? आज रात की। आज रात्रि की बात है। आप कहाँ थी? सो रहे थे। ये प्रकरण थाना बेवर के ग्राम छबीलेपुर का है। कल जो है गीता देवी का विवाद बच्चे को लेकर उसके देवर से हुआ। देवर ने आवेश में आके अपनी भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे गीता देवी गंभीर अवस्था में घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़।